अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं MI4 स्टूडियो। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो काकापीर विलेज पर है और ये सन स्टीप कहलाता है और इसका पुराना नाम सन स्टीप है और इस जगह का नाम अब काकापीर विलेज रखा गया है और ये यनुसाबाद से थोड़ा सा ही आगे है और यहाँ पर आपको ताज़ी मछलियाँ मिल जाती है, लांचों से आती है और लांचों से ताज़ी ताज़ी ये मछली ही लोग सप्लायर को देते हैं और फिर ये आगे पहुँचाते हैं। तो अगर आपने भी अगर मछली लेनी है तो आप यहाँ पर आकर मछली ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लांचे आती है, एक लांच आई फिर उसके बाद दूसरी लांच आई, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और कभी कभी आपको खाली हाथ भी जाना पड़ सकता है। तो ये तो नसीब की बात है। और यहाँ पर मैं आया था वीडियो बनाने के लिए कि फ़िश हमें मिलेगी, लेकिन मुझे फ़िश तो आज नहीं नज़र आई, लेकिन ये जेली फ़िश जो है टोकरों में पड़ी हुई है और ये जेली फ़िश वाफिर मकदार में मौजूद है। और ये जेली फ़िश आप हैरान होएगी तो होएगी, ये भी बिकती है और ये कौन खाते हैं, ये चाइनीज़ खाते हैं और ये सप्लायर यहाँ से लेके जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों में देंगे जाके और वहाँ से ये चाइना चली जाएगी और चाइनीज़ रेस्टोरेंट चली जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की वीडियो में मालूमती वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। व्यूअर्स, ये देखे कितना बड़ा टप है और इसके अंदर ये लोग जो पहले से जो जमा किया हुआ होता है माल के वो रखा हुआ होता है, जब गाड़ी आती है तो उसमें से ये लोग निकाल लेते हैं, निकाल के फिर ये टोकरों में डाल के इसको वजन करके फिर सप्लायर आगे लेके जाता है और डायरेक्ट माल किश्तियों से भी निकाला जा रहा है और यहाँ से भी निकाला जा रहा है। भाई मेरे पे तो अपने सवाल ही हो यार, कितना माल बढ़ रहा था। भाई Gracias.
जेली फिश में से लेस निकलता रहता है और ये लेस जो निकलता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, जो हाथों में जलन पैदा करता है और जिस्म के किसी से भी लगे तो उसमें जलन होती है। तो वीवर्स यहाँ पर वज़न हो रहा है और ये वज़न करके जो है जेलीफिश को जो है ये सप्लायर जो है वो आगे पहुँचा रहे हैं और आगे ये चाइनीज़ कंपनियों के हवाले करेंगे। कोरियन चाइनीज़ और कोरियन कंपनी जो है इसको लेके जाती है और कुछ मेडिसिन भी इसकी बनाई जाती है। और ये देखिए यहाँ पर वज़न हो रहा है और वज़न करने के बाद जो है ये सप्लाई होगी आगे चाइनीज़ और कोरियन लोगों को। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है भर के और ये भी फिशरी जाएगी और फिशरी से इनकी बोली लगेगी और फिर जो है माल उठा के चाइनीज़ कंपनी लेके जाएगी। चाइनीज़ कंपनियाँ और कोरियन कंपनी ये लोग लेके माल ले जाएगी यहाँ से। तो एक दफ़ा फिर आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके नज़दीक अगर कोई फ़िश मार्केट है बड़ी तो आप मुझे बताएं, वहाँ का भी इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर चक्कर लगाऊँगा। और फूड से रिलेटेड के आपकी तरफ अगर कोई अच्छा फूड मिलता हो जैसे बिरयानी बर्गर या कोई मशहूर कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं और वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें।